पहली बात तो ये है, हमने और मेरी पार्टी ने अब निर्णय ये लिया है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है इस कंट्री, और इस लड़ाई की शुरुआत हम सभी विपक्षों से मांग करते हैं कि एक साथ होके लड़ें, जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दों पर हम बिहार बंद भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजय सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI के द्वारा सम्मन जारी करने के बाद देश की राजनीति कहें तो काफ़ी गर्म हो गई है। वहीं बात करें तो तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो केंद्र सरकार पर हमला बरें और कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर बरसे हैं और कह रहे हैं कि अब जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो एकजुट हों और केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद करने का आह्वान करें। क्या कुछ कर रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले सुनिए उनकी बातों को। पहली बात तो ये है, हमने और मेरी पार्टी ने अब निर्णय ये लिया है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है इस कंट्री में BJP की गवर्नमेंट का। इतना अति अब चुप रहना, इससे बेहतर है गोली खा के मर जाना। लेकिन जिस तरीके से लगातार स्वायत्त संस्था को इस्तेमाल करके विपक्ष और लोकतंत्र की आवाज़ को ख़त्म किया जा रहा है, और CBI ED से डरा कर 2024 का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए देश के सारे विपक्ष को गोलबंद होके भारत बंद का निर्णय लेना चाहिए या नहीं तो भारत सरकार की संस्थाओं, जो रेलवे है या अन्य चीज़ें हैं, उसको हमें रोकना चाहिए। क्योंकि अब सर से बाहर, अब लगातार आप कांग्रेस पर हमला करते करते, ममता दीदी पर, आप स्टालिन पर, उसके बाद आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर, आप उद्धव ठाकरे जी पर, आप बिहार सरकार के राजद परिवार पर, आप लगातार जिस तरीके से ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप डरा रहे हैं लगातार, अब अरविंद केजरीवाल जी पर, पहले आपने दो दो मंत्री, अब अरविंद केजरीवाल जी को आप चैटिंग चैट दिखाते हैं, उसको आपने CBI कल बुला ली है। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या वैश्य नहीं है? यदि जैन वैश्य है, OBC है, और यदि वो क्रिकेट वाला कौन जो भाग गया सट्टा बाजार, ललित मोदी यदि वैश्य है तो अरविंद केजरीवाल जी भी OBC है, वो भी वैश्य है, तो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को वैश्य पद क्यों नहीं रहा? अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया या नहीं किया, उनके मंत्री जेल गए। अरविंद केजरीवाल काम तो ठीक ठाक कर ही रहे हैं, और अब सबसे बड़ी बात है कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद दिल्ली का 7 लोकसभा जिस दल के साथ रहता है, देश का PM वही बनता है। अब इसकी छटपटाहट यह है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एक हो गए तो एक भी सीट हम नहीं जीतेंगे, तो पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ी फंसा लो। हम और हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी जी के बाद, और राहुल गांधी जी के घर को जिस तरीके से इन्होंने खाली करवाने का प्रयास किया है, यह अनडेमोक्रेटिक है, यह डेमोक्रेसी इसकी इजाज़त नहीं देती है। इस तरीके से कोई भी संघीय व्यवस्था में संस्थाओं का, लोकसभा का इस्तेमाल, का चेयर की कुर्सी स्पीकर ने गलत इस्तेमाल किया है। आज तक किस ग्राउंड पर BJP के सारे नेता सुरक्षा के आधार पर आपने कोठी दी हुई है, और आप विपक्ष को 2 साल का जबरदस्ती सजा करवा दिया, और उसके बाद अब लगातार विपक्ष को समाप्त करने की 2024 के बाद तैयारी। इसीलिए हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है 3 इशू पर। पहला इशू यही थी, दूसरा इशू था CBI ED के द्वारा पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म, 2024 के चुनाव लड़ने की तैयारी। राहुल गांधी, ममता दीदी से लेकर तेलंगाना से लेकर के महाराष्ट्र, बिहार, और अब अरविंद केजरीवाल, मतलब दिल्ली का सीट जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना,
यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसीलिए हमारी पार्टी पुलवामा की भी सर्वोच्च न्यायालय से जांच, हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में धरना का कार्यक्रम, पहले हम पटना में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम, इन तीनों मुद्दे पर कि हमारी सरकार चीज़ों को वापस ले, सीबीआई ईडी के द्वारा अब नहीं चलेगा, और इस लड़ाई की शुरुआत हम सभी विपक्षों से मांग करते हैं कि एक साथ होकर लड़ें। जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दों पर हम बिहार बंद भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दों पर ईद के बाद हम रेलवे को भी रोकेंगे, लेकिन अभी पटना से हमारा आंदोलन का कार्यक्रम शुरुआत होगा। पहला होगा एक दिवसीय धरना, दूसरा होगा पुतला दहन, तीसरा होगा उपवास गांधी के मूर्ति के पास इसी पटना में, चौथा होगा पूरे बिहार में उपवास, पांचवा होगा रेल रोको, छठा होगा बिहार बंद। अब नहीं सहेंगे, अब हो गया, अब लड़ाई आर पार होगी, करो मरो के साथ होगी, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, यही लड़ाई अब होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। डेमोक्रेसी और विपक्ष को बचाने के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ आर पार का हम ऐलान करते हैं, अब ये युद्ध होके रहेगा, बस पुलवामा की जांच। धन्यवाद। तो आपने सुना पप्पू यादव वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे हैं और कह रहे हैं कि अब पानी सर के ऊपर हो गया है, जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के जो दुरुपयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक का चुनाव नज़दीक आ रहा है और 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी है जो बौखलाई हुई है और इस तरह के विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई के छापे करवा रहे हैं। इस तमाम खबरों को न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, नमस्कार।